कोई मुझसे पूछता था नौ साल दस साल की उम्र में बेटा कहाँ पढ़ते हमने कहीं नहीं पढ़ते कौन से क्लास में हमने कोई कोई क्लास में नहीं पढ़ते जब मैं ग्यारह बारह साल का था तो ये फिल्म आई थी बरसात शंकर जेक्शन का म्यूज़िक था और उसमें जो धुन बजती है बरसात में हमसे मिले तुम सजन जन तुम से मिले हम वो कोई रात को बजाता हुआ निकलता था वहाँ से और मुझे एकदम ऐसा लगता था मतलब ये कि एक लहर सी उठती थी मेरा काम ईंट का है गिट्टी का है बालू का है लोहे का है अब जब मैं इन्हीं सब का काम करूंगा, इन्हीं की चिंता में रहूंगा, तो मेरी कविता में आने से उन्हें कैसे रोक सकता हूं? एक दिन रात को टहलते हुए ज्ञान रंजन ने मुझसे कहा कि नरेश तुम्हारी कविताएं धर्मयुग में छपना चाहिए तो मैंने कहा धर्मयुग में ज्ञान रंजन ने कहा है तो छपना चाहिए कथ्य पर ही सारी चीज़ें हमारी आलोचना की रुक जाती हैं उससे कुछ थोड़ा सा कठिन उसका अर्थ करना है वो कठिन इसलिए है कि उसमें व्यंजनाएं होती हैं हमारी जो कहावतें हैं ना सारी कहावतें सारी कविताएं हैं अगर गले में आवाज़ है और कविता आपकी आपकी कविता आपको ही याद नहीं तो किसको याद होगी और अगर किसी को याद नहीं होगी तो कोई अपने मुश्किल वक्त में क्या कविता संग्रह खोल के बैठेगा पढ़ने के लिए ये मेरी कमी आप समझ मान सकते हैं कि ये मेरी कमी है कि मैं कम लिख पाता हूँ आलसी भी हूँ पत्नी की माँ तवायश थी तवाइफों के मोहल्ले में या सेक्स वर्कर्स के मोहल्ला था वो उसी में उनका घर था उसका नाम गुरंदी बाज़ार था गुरंदी की जो गली थी उसी के तिराहे पर उनका बेनी बाई का कोठा था वहीं मेरी पत्नी विजय रहती थी जिस तरह से अकादमी सम्मान और दूसरे सम्मान आजकल दिए जा रहे हैं उनकी विश्वसनीयता है दुर्भाग्य से कम होती जा रही हाथ डुबोए गए खोलते हुए तेल में और फफोले पड़ते ही अपराध सिद्ध हो गए गिद्ध हो गए पंच परमेश्वर और सभी जन कांकर पाथर चिरे कुकुर भेड़ हो गए घास हो गए पेड़ हो गए नमस्कार स्वागत है आपका संगत में मेरा नाम है अंजुम शर्मा और आज मेरे साथ एक ऐसे कवि गीतकार फिल्म निर्देशक बांसुरी वादक हैं जो पेशे से इंजीनियर रहे हैं नरेश सक्सेना सर स्वागत है आपका संगत में नमस्कार नरेश जी आपके कवि कर्म पर आऊँ उससे पहले मैं उस दौर के बारे में जानना चाहता हूँ जब आप कवि नहीं हुआ करते थे और इसको खुलकर कहूँ थोड़ा सा उस समय के बारे में बताएं जब आप छोटे थे और उस समय को कैसे याद करते हैं कभी न होना उम्र से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है बचपन में भी हम जो देखते हैं और जो स्मृतियाँ हमारी बनती हैं वही कविता में काम आती हैं जीवन भर हमें मनुष्य बनाए रखती हैं वो स्मृतियाँ हैं मैंने कल भी ये बात कही थी कि अगर आप अमरूद की एक टहनी तोड़ दें और उसको आम के तने पर ग्राफ्टिंग कर दें तो वो अपना पोषण तो प्राप्त करेगी आम की जड़ों से आम के तने तने से उसे प्राप्त होगा लेकिन जब उसमें फल लगेगा तो आम का नहीं लगेगा अमरूद ही फलेगा उसमें तो वनस्पतियाँ तक अपनी स्मृति कायम रखती हैं मनुष्य तो स्मृतियों से ही बना है तो कौन सी स्मृतियाँ कायम हैं बचपन में पाँच बरस से दस बरस की उम्र तक मैं ऐसी जगह पर रहा जहाँ सिर्फ़ जंगल था कोई दूसरा घर नहीं था आसपास सिर्फ चट्टानें थीं, हिरन थे खरगोश थे गिलहरियां थीं, टीटर थे नीम था बबूल के पेड़ थे झाड़ियाँ थीं और बारिश में झरनों से भर जाती थी वो जगह तो ये यही सब हमारा परिवेश था बचपन में कोई साथ ही नहीं था क्योंकि 10-15 किलोमीटर तक कोई घर ही नहीं था हम डाकबंगले में रहते थे मेरे पिता वहाँ आसन नदी थी हम पहाड़ पे डाकबंगला था वहाँ हम रहते थे और नीचे आसन नदी बहती थी सारा दिन हम वहीं उसी जंगल में पेड़ पौधों के बीच उजाड़ के बीच में अपना साँप बिच्छू थे तमाम तरह के जानवर थे वही हमारा बचपन था और क्या होता था एक ख़ास बात पिता मुझे स्कूल तो जाना हुआ ही नहीं दस बरस की उम्र तक अच्छा कोई मुझसे पूछता था नौ साल दस साल की उम्र में बेटा कहाँ पढ़ते हमने कहीं नहीं पढ़ते कौन से क्लास में हमने कोई कोई क्लास में नहीं पढ़ते लेकिन पिता मुझे हिंदी और इंग्लिश और गणित पढ़ाते थे घर पे रात को तो वहाँ से बाज़ार जो था वो पंद्रह बीस किलोमीटर दूर था पगारा मुरैना से सत्रह मील यानी पच्चीस किलोमीटर दूर जौरा नाम की एक जगह है वहाँ से भी दस किलोमीटर दूर पगारा डैम है वहाँ हम रहते थे तो हर हफ्ते सामान बाज़ार से आता था उसमें अखबार में पूड़ियाँ बंधी हुई आती थी मसाले की कुछ और चीज़ों की वो मैं रख लेता था जी अखबार के वो टुकड़े और पूरे हफ्ते वही पढ़ता रहता था तो मुझे तो सारी ख़बरें जो उन टुकड़ों में होती थी वो तक याद हो जाती थी कि वो कोई दस बार पढ़ा किसी को पंद्रह बार पढ़ा एक बार मेरे पिता किसी से बात कर रहे थे बोले वो एक खबर आई थी ना उसके तुम मैंने कहा वो पूरी खबर उनको वर्बेटम सुना दी बोले अरे तुम्हें पूरी खबर अखबार की याद है मैंने कहा मुझसे रोज़ पढ़ता हूँ हाँ। हफ्ते भर में इंतज़ार करता हूँ कि नई बुढ़ियाँ आएँ तो वहाँ न कोई किताब थी न लाइब्रेरी थी न खेलने को कोई बच्चा था तो यही मेरा परिवेश था बचपन में इतनी ललक थी पढ़ने की तो स्कूल पहली बार जाना आपका ग्यारह साल की उम्र में हुआ हाँ दस साल की उम्र में जब मैं स्कूल भेजा गया तो हेडमास्टर ने पूछा वो हमारे परिचित थे असल में तो उन्होंने पूछा कि इसकी उम्र क्या है तो बताया गया दस साल तो बोले इसको पाँचवें क्लास में होना चाहिए तो कहा कि पाँचवें क्लास में नाम लिख दीजिए बोले टेस्ट होगा हिंदी की किताब दी पढ़ के सुनाओ मैंने फर्राटे से पढ़ के सुना दी इंग्लिश इंग्लिश से कहा दो ट्रांसलेशन पूछे मैंने सही बता दिए गणित पूछा मुझे आता था बोले अरे इसको तो छठे में भी भर्ती कर सकते हैं <laughs> <laughs> खैर मुझे पाँचवें में भर्ती किया और मैं जाते ही अपने क्लास में टॉप किया क्या बात है आपकी बहन घर पर पढ़ा करती थी और शायद आप उनकी किताबें पढ़ा करते थे जी जी मेरी बहन की भी पढ़ाई छूट गई इन्हीं वजहों से मेरी बे, बड़ी बहन थी हाँ तो उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब रही तो वो उस जमाने में क्या होता था कि जो लड़कियां ख़ास तौर से लड़के भी विद्या विनोदिनी विशारद साहित्य रत्न इस तरह की परीक्षाएं होती थी हाँ और विशारत जो थी वो बीए के समकक्ष मान ली जाती थी तो उनकी विशारत की जो पुस्तकें थीं उसमें मैथिली शरण गुप्त जयशंकर प्रसाद निराला महादेवी वर्मा ये सब ये सा, सारी किताबें घर में थी मैं वो सब पढ़ता, पढ़ता था, था। <laughs> तो मैंने प्रसाद को पंत को निराला को तो चौदह पंद्रह साल की उम्र में पढ़ लिया पढ़ था, लिया था।, था। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ लेकिन दसवीं क्लास के बाद नरेश जी लेकिन आपने कभी हिंदी नहीं पढ़ी और पैंतालीस साल तक आप इंजीनियर रहे तो उस दौरान आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे ईंटों गट्टों और इन सब की परिभाषाओं से आप खेल रहे थे दसवीं के बाद हिंदी न पढ़ना और फिर हिंदी में इस तरह लिखना तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो हिंदी का छूटना और उस संवेदना को पकड़ना मैं इस बीच की कड़ी को थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ मेरे लिए शायद अच्छा हुआ इसलिए कि मैं ये मान के कविता लिखता हूँ कि मुझे कुछ कहना है और जब कहना है तो बोलचाल की भाषा में कहना है है ना जैसा अभी एक उदाहरण दिमाग में आया था कि अगर मैं कुछ परेशान हूँ घर में हूँ दुखी हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत संतप्त हूँ ये लगता है कि ये कविता की भाषा है कविता की भाषा नहीं है कविता की भाषा यही है कि बहुत परेशान हुआ बड़ा दुखी हूँ आज मैं ये कहना ज़्यादा सरल है ज़्यादा प्रेषणीय है और ज़्यादा कन्विंसिंग है और ये कहना कि मैंने घर में पदार्पण किया ये पदार्पण क्या कर रहे हैं आप घर में घर में प्रवेश किया इससे ज़्यादा तत्सम शब्दावली मत जाइए मैं घर में घुसा यही कहना है तो मैं उसी बोलचाल की भाषा का ज़्यादातर उपयोग करता हूँ जितना हाई स्कूल में पढ़ा दी जाती है बल्कि हाई स्कूल में ज़्यादा पढ़ा दी जाती है मैं उससे कम का ही इस्तेमाल करता हूँ करीब करीब दूसरी बात ये कि ज्ञान हमारे यहाँ दरअसल क्या हुआ है? एक एक बड़ी बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है ज्ञान जो है क्या कलाएं अज्ञान से उपजती हैं वो कौन सी कला है जो अज्ञान से उपजती है मुख्य ने तो ये कहा है संवेदना ज्ञानात्मक और ज्ञान संवेदनात्मक ज्ञान से संवेदना बदलती है जब आपको किसी चीज़ के बारे में पता लगते हैं तथ्य तो आपके विचार बदल जाते हैं विचारों के साथ आपकी भावना भी बदल जाती है ज्ञान से कोई कन्फ्लिक्ट कलाओं का नहीं है ये बहुत एक भ्रमपूर्ण धारणा है दूसरा दूसरी दुर्घटना क्या हुई है कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था लागू हुई तो जो हमारा हमारे यहाँ विज्ञान का टेक्नोलॉजी का जो काम करते थे यानी लोहार धातुओं को पिघला रहे हैं लोहा पिघला रहे हैं उसको आकार दे रहे हैं उसको हथौड़े हाँ से ठोक पीट करके सुनार चांदी का काम कर रहे हैं सोने का काम कर रहे हैं वो भी धातुओं का काम कर रहे हैं बड़े ही वो रथ के चक्र बना रहे हैं है ना वो आ, शिल्पकार जो आ, मकान बना रहे हैं उनसे कहा तुम छोटी जाति को हो तुम शूद्र हो तुम पढ़ोगे नहीं, नहीं। अब जो टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं वो पढ़ेंगे ही नहीं तो उसका विकास कैसे होगा विकास नहीं होगा ठीक बात तो हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ और विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जो संबंध टूटा तो आज तक टूटा हुआ है ज्ञान कभी कलाओं का दुश्मन नहीं होता और बिना ज्ञान के कोई कला विकसित नहीं होती मैं आऊँगा इस पर ज्ञान और कला वाली बात पर आ, मैं थोड़ा सा क्रम में चलना चाह रहा हूँ मैं जो दसवीं के बाद हिंदी की बात कर रहा था वो छूट गई बीच में मैं उसे वापस पकड़ता हूँ आपने बोला कि आप आपके जो भाषा है आप कोशिश करते हैं कि आम बोलचाल की भाषा में लिखा दिल्कुन। जाए दिल्कुन। क्या आपके ऊपर रमा सिंह के मुक्तकों का प्रभाव पड़ा और तब आपने ये कोशिश की कि इतनी आसानी से भी लिखा जा सकता है रमा सिंह के चार मुक्तक ज्ञानोदय के प्रश्न पर बहुत छोटे छोटे मुक्तक थे बहुत छोटी सी स्पेस में वो आ गए थे ऊपर एक वृक्ष का रेखा चित्र बना हुआ था उसके नीचे लिखा हुआ था रमा सिंह तो मुझे इतना सुंदर लगा वो पेज का मेकअप पूरा पेज का हाँ लेआउट और मुक्तक इतने सरल एक पल में उठ रही लहरें कई एक पल में दिख रही खंडित हुई एक ऐसी भी लहर उनमें उठी रेत पर तस्वीर बनकर रह गई मैंने कहा अरे इतना सरल <laughs> इतना सुंदर पद है ये ऐसा तो मैं भी लिख सकता हूँ हर कली को फूल बन झरना यहाँ हर सुबह को शाम बन घिरना यहाँ समय के फैले हुए इस सिंधु में एक सरिता की तरह गिरना यहाँ हमने कहा ये ऐसे मुख्तक तो सरल इतने सरल ऐसे तो मैं भी लिख सकता हूँ तो और अगर वो धर्मयुग में छपें और नीचे मेरा नाम लिखा हो रमा सिंह की जगह तो कितना, कितना अच्छा लगेगा तो मैंने घर आ कर के उस दिन लाइब्रेरी में पढ़ के आया था मैं क्या ग्वालियर में सेंट्रल लाइब्रेरी है वहाँ पढ़ के मैं आया तो मैंने आते ही एक हफ्ते भर के अंदर पंद्रह सोलह मुक्तक लिख लिए और उनमें से ग्यारह मुक्तक मैंने ज्ञानोदय को ही भेज दिए और उनको लिखा इनमें से कोई भी चार आप चुन सकते हैं <laughs> उन्होंने चार चुन, चुन लिए और <laughs> वो चार मुक्तक मेरे 1958 में छपे हैं एक एक पेज पर एक एक मुक्तक बॉक्स बना करके उन्होंने छापा था और ज्ञानोदय पत्रिकाएं बहुत कम थी हिंदी की जो अखिल भारतीय स्तर पर वितरण जिनका होता था तो ज्ञानोदय थी धर्मयुक्त था कल्पना थी कल्पना सबसे बड़ी साहित्यिक पत्रिका थी एक बार अगर उसमें आप छप गए तो ये समझ लीजिए कि पूरा भारत का साहित्यकार साहित्यकारों का जो बिरादरी थी उसने पढ़ लिया पढ़ लिया तो इन सभी पत्रिकाओं में मैं छपने लगा था अच्छा आप शुरू में आपने छंदबद्ध लिखना शुरू किया बिल्कुल फिर एक समय आया आप छंद मुक्त की तरफ आ गए क्या ये आपका अपना चयन था या फिर साहित्य की धारा के अनुरूप बहने का एक प्रयास नहीं, नहीं ऐसा था। हुआ मैं बताऊँ उसको चार मुक्तक तक छपे ज्ञानोदय में छंद में थे उसके बाद मैं मेरा मेरा दाखिला हो गया था इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर में वहाँ हरिशंकर परसाई से मेरी भेंट हुई हरिशंकर परसाई के पास ही मुक्ति बोध आते थे तो लखनऊ में वहाँ जबलपुर में वहीं ठहरते थे कुछ दिन बाद ज्ञान रंजन का भी वहाँ आना हुआ विनोद कुमार शुक्ल भी वहाँ तब विद्यार्थी थे हम सब लोग बिल्कुल नए नए लिखने वाले थे किसी को कोई जानता नहीं था वहाँ आते ही जो परसाई जी के पास पत्रिकाएँ आती थी कृति आती थी कल्पना आती थी दूसरी पत्रिकाएँ उनसे मुझे तुरंत समझ में आ गया कि ये समय जो है मुख्य धारा कविता की गद्य में है अब छंद में कोई लिख नहीं रहा तो मैंने तुरंत गद्य में लिखना शुरू कर दिया उसके बाद की मेरी तमाम कविताएं धर्मयुग में भी गद्य में छपी कल्पना में गद्य में छपी लेकिन एक दिन रात को टहलते हुए ज्ञान रंजन ने मुझसे कहा कि नरेश तुम्हारी कविताएं धर्मयुग में छपना चाहिए तो मैंने कहा धर्मयुग में ज्ञान रंजन ने कहा है तो छपना चाहिए क्योंकि धर्मयुग में रंगीन पृष्ठों पर वो छापते थे तो मुझे ये पता धर्मी भारती को पढ़ पढ़ के और धर्मयुग को पढ़ के ये समझ में आ गया था कि इनके गीतों के प्रति उनका बहुत रुझान है धर्मीर भारती का तो मैंने फिर कुछ गीत लिखे तीन छंद में गीतों में रचनाएं लिखीं और उनको भेज दी तो तुरंत उनकी स्वीकृति आ गई और एक के बाद एक उन्होंने मेरे तीनों गीत छाप दिए तो मैं तुरंत ही धर्मियों में छपने का मतलब भी एक बहुत बड़े पाँच छः लाख प्रतियां छपती थी आज आप कल्पना नहीं कर सकते आज बड़ी से बड़ी पत्रिका हमारी जो है वो पाँच हज़ार सात हज़ार से ज़्यादा नहीं छपती है वो पाँच छः लाख प्रतियाँ छपती थी पचास पैसे का धर्मयुग मिलता था और वो एक एक प्रति जो थी वो कम से कम चार पाँच घरों में जाती थी मांगे पड़ोस में कि धर्मयुग जब नया आ जाता तो, तो कहते पुराना धर्मयुग हमें पढ़ने को दे दीजिए कहते पुराना धर्मयुग तो फला ले गए हैं <laughs> तो उनसे ले लेना आप इस तरह से ये जो और एक परिवार में अगर छः सात लोग उस धर्म को सबका प्रश्न होता था उसमें बच्चों का प्रश्न स्त्रियों का प्रश्न शादी ब्याह के जोड़ों की के फ़ोटो साहित्यिक रचनाएं यानी सबके लिए उसमें धर्म में जगह थी तो वो मांग मांग के पढ़ा जाता था और अगर एक घर में छः लोगों ने उसको पढ़ा और पाँच छः घरों में चला गया तो छत्तीस तो छत्तीस से आप कम से कम पाँच लाख का गुणा कर दीजिए तो, तो करोड़ों में करोड़ों में पढ़ी जाती थी तो ये मान लिया जाए नरेश जी कि आप लिखना तो चाहते थे गीतबद्ध छंदबद्ध लेकिन साहित्य की धारा नहीं थी हाँ, इसलिए आपने सोचा कि भाई उसमें अब लिखने का कोई लाभ है नहीं लेकिन फिर ये भी देखा कि गद्य बहुत ताकतवर चीज़ है गद्य कमज़ोर नहीं है गद्य चुनौती है गद्य के लिए कहा जाता है ना कि कवि के लिए गद्य जो है वो आ, कसौटी, कसौटी है वो हाँ। क्यों कहा जाता है इसलिए कि कविता में हम मान कर चलते हैं कि हम बिंब का रूपक का ध्वनियात्मकता का लय का के साथ लिखेंगे इसके साथ लिखेंगे तो वो रचना जो है बहुत ग्राह्य हो जाएगी बहुत सरस हो जाएगी सुंदर हो जाएगी गद्य में इसकी चिंता नहीं करनी है धन्यात्मकता की चिंता नहीं करनी है सूक्ष्मता की चिंता नहीं करनी है और बिंबों की या इसकी चिंता नहीं करनी है उसके बाद भी ताकतवर गद्य लिखो तो ये तो चुनौती का काम है लेकिन ऐसा हुआ और ऐसा नहीं होता कि गद्य में बिंब नहीं होते सूक्ष्मता नहीं होती ध्न्यात्मकता नहीं होती गद्य सुंदर वही होता है जिसमें ये सब होता है लेकिन वो ऊपरी लय नहीं होती लय तो होती है गद्य में भी लय होती है हुँ, हुँ, मैं लयात्मकता की बात करूँगा अच्छा कविता में ज़रूरत किस चीज़ की ज़्यादा होती है मैं आप क्योंकि कई बार कई मंचों से ये बात कह चुके हैं इसलिए मैं इसको थोड़ा घुमा कर पूछ रहा हूँ ज़रूरत किस चीज़ की ज़्यादा होती है क्या होना चाहिए या कैसे होना चाहिए भाव या कला नहीं नहीं क्या और कैसे की जो बात है हमारे यहाँ कविता में एक बात है बहुत आ, सरल आप समझ सकते हैं कि कविता में कथ्य क्या है ये जानना बहुत आसान है कि कविता प्रेम पर लिखी है या राजनीति पर लिखी है या अपने अपने दुख सुख पर लिखी है हुँ. उसमें रस क्या है वात्सल्य है या उसमें रौद्र रूप है क्रोध है दुख है करुणा है ये जानना बहुत आसान है और उससे संबंधित हमारा कथ्य है कथ्य पर ही सारी चीज़ें हमारी आलोचना की रुक जाती हैं उससे कुछ थोड़ा सा कठिन उसका अर्थ करना है वो कठिन इसलिए है कि उसमें व्यंजनाएं होती हैं अर्थ के अनेक स्तर होते हैं उन सभी स्तरों पर हर आलोचक पहुंच जाए जरूरी नहीं है कुछ तक पहुंचता है सबसे कठिन होता है कि ये वाक्य कविता कैसे हुआ ये बताना कि ये शिल्प क्या है कैसे हुआ माने शिल्प क्या है उसका संरचना क्या है ये शिल्प और संरचना की बात आलोचक छोड़ देते हैं वो कथ्य पर रुके रह जाते हैं ज़्यादा चले तो व्यंजना पर क्योंकि उनका काम विचारों का है और उनको बहुत आसान लगता है कि इस कथ्य में ये विचार है और उस विचार की परंपरा क्या है उसका दर्शन क्या है उसका मनोविज्ञान क्या है अब उसकी सामयिकता क्या है ये सब बताने ये बड़े बड़ी विद्वता का काम है आलोचक का काम साधारण नहीं है एक कवि बिना बहुत बड़ा विद्वान हुए कविता लिख सकता है लेकिन एक आलोचक बिना पढ़े लिखे आलोचक नहीं हो सकता उसे दुनिया भर का ज्ञान चाहिए लेकिन दिक्कत उसकी ये होती है कि वो रमता है विचारों में और वो शिल्प और सौंदर्य और रूप के बारे में बात करते ही कहता है अक्सर सब नहीं कुछ आलोचक अरे ये तो रूपवाद है इसकी क्या बात करना असल चीज तो विचार है लेकिन विचार तो तभी काम का होगा कविता में निहित विचार तभी काम का होगा जब वो कविता होगा तो कविता तो अपनी शर्तों पर कविता होगी और कविता की शर्त क्या है सूक्ष्म होना थोड़े से में ज्यादा कह देना थोड़े शब्दों में ज्यादा अर्थ भर देना पहली बात सुंदर होना सुंदर कैसे होगी वो अगर वो रमणीय नहीं है तो स्मरणीय कैसे होगी स्मरणीय होने के लिए रमणीय होना और रमणीय वो कैसे होगी सुंदर होकर सुंदर कैसे होगी उसमें लय होगी ध्वन्यात्मकता होगी उपमाएं होंगी रूपक होंगे ये तमाम सारी चीज़ें होंगी फिर एक बहुत बड़े अर्थ की व्यंजना जिसको कहते हैं उड़ान होगी तो वो अगर नहीं है तो वो उसको सुंदर बनाएगी तो सुंदर बहुत तरह से बनती है रचना और तीसरा उसका अंतिम चरण संवेदना का है अगर वो आपके दिल को हिला नहीं देती अगर वो आपके दिल में उतर नहीं जाती तो फिर वो अपनी यात्रा पूरी नहीं कर रही है एक हंसी मजाक चुटकुले आजकल मंचों पे सुनाए जाते हैं बहुत हंसते हैं लोग बहुत मजा लेते हैं उसका संवेदित नहीं करते वो चुटकुला भूल जाते हैं वो दो फिर नया चुटकुला सुनाने लगते हैं लोग तो चुटकुला नहीं है कविता कविता अपनी संवेदना में आपको भीतर तक चली जाती है और चूँकि सूक्ष्म है छोटी पंक्ति है छोटी में बड़ा अर्थ है हमारी जो कहावतें हैं ना सारी कहावतें सारी कविताएं हैं ऊंट के मुंह में जीरा अरे कितनी बड़ी बात कहती इतना बड़ा ऊंट है और उसको कितना भोजन चाहिए कितना पानी उसमें जीरा तो वो एक कितनी जगह प्रयोग होता है ये क्योंकि बड़ा अर्थवान है ये नाच ना आवे आंगन टेढ़ा इसमें तो लय भी है और अर्थ बड़ा है क्या आप तमाम सारी भाई आपको कैमरा ऑपरेट करना आ नहीं रहा आप कह रहे हैं लाइट नहीं है ठीक से फ्रेम नहीं ठीक से बन रहा बैकग्राउंड मुझे नहीं मिल रहा है ये अरे भाई आपको फ़ोटो खींचना आता है कि नहीं आता इन सब के बावजूद खींचिए आप फ़ोटो तो नाच ना आवे आंगन टेढ़ा यहाँ हो जाएगा कविता पढ़ने का मैं डायरी नहीं लाया मैं किताब नहीं लाया अरे मैं काम नहीं कर रहा अरे भाई कविता याद है अपनी हाँ। तो सुनाइए आवाज़ है कि नहीं गले में अगर गले में आवाज़ है और कविता आपकी आपकी कविता आपको ही याद नहीं तो किसको याद होगी और अगर किसी को याद नहीं होगी तो कोई अपने मुश्किल वक्त में क्या कविता संग्रह खोल के बैठेगा पढ़ने के लिए अगर कोई पंक्ति उसके स्मरण में है तो वो उसको ताकत देगी उसको रास्ता बताएगी उसको धीरज बंधाएगी ऐसी कितनी कविताएं हैं मेरी कितनी ऐसी पंक्तियां हैं जिसके बारे में कहानियां हैं कि ये पंक्ति किसी के पास थी एक लड़की बांदा में इम्तहान देत ये वो नौकरी चाह रही थी और तमाम लोग से सिफारिशें करवाई उसने नौकरी तो मिलती नहीं तो नहीं मिली तब उसने वो जो कविता है कि पुल पार करने से पुल पार होता है नदी पार नहीं होती नदी पार नहीं होती नदी में धसे बिना उसको वो बीमार पड़ गई थी निराश हो करके उसको फिर ये पंक्ति समझ में आई कि मुझे नदी में धंसे बिना प्राप्त होना नहीं है और ये पंक्ति जो है नदी में धसे बिना नदी पार सिर्फ तैरना आ जाए तो नदी पार नहीं हो जाती नदी में तो मगर मच्छर खा जाएगा ना आपको नदी में जाना ख़तरे से खाली नहीं है नदी में प्रवाह है कहीं से कहीं ले जाएगा नदी में भंवर है उसमें फंस गए तो डुबो देगा आपको निकलने नहीं नदी ख़तरनाक चीज़ है सिर्फ तैरना आने से ये ये शारीरिकता नहीं है नदी में शैवाल हैं घास उगी हुई है फंसा देगी आपको आप कहाँ हाथ मारेंगे तो फंस जाएगा जा तो नदी पार करना एक बड़ा जोखिम भरा काम है तो उस लड़की ने ये ये कविता के बारे में वो कहती है कि उसके बाद मैंने बहुत मेहनत से कंपटीशन की तैयारी की कि सिफारिशों से मुझे काम नहीं करना अब सेलेक्ट हो गई वो छोटी मोटी अफसर बन गई है ऐसी कम बहुत कहानियाँ हैं मेरे पास का इस तरह की आपका जो लोधी रोड क्रेमीटोरियम है ना जी। उस लोधी रोड क्रेमीटोरियम में, में मेरी एक कविता लगी हुई है मेरा नाम शायद नहीं है वहाँ लोग बताते हैं जो देहरादून का शमशान है जहाँ लकड़ियों से लाशें जलाई जाती हैं वहाँ मेरी कविता लगी हुई वही कविता लगी हुई है एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में वो एक कविता है जो शवों को जलाने के बारे में तो ऐसी कितनी कविताएं हैं उनकी उतनी कहानियाँ हैं जी इससे पहले आपने अपनी बात में कहा कि कम शब्दों में ज़्यादा बात कहना कविता की कसौटी होती है और आपने ज़्यादातर कविताएं गणित और विज्ञान को आधार बनाकर लिखी हैं उसमें दिखता है फैक्चुअल स्टेटमेंट्स होती हैं आपकी कविता में क्या इस लिहाज से देखें तो गणित और विज्ञान तो सबसे ज़्यादा कम शब्दों में ज़्यादा बात कहते हैं दो और दो चार है तो है तो क्या ये मान लिया जाए कि ये कविता ही है गणित और विज्ञान जो कहता है गणित का भी ये कुछ मोटा ज्ञान है कि दो और दो चार होते हैं वो बिल्कुल होते हैं लेकिन मैंने लिखा एक नदी और एक नदी मिलकर एक नदी होती है बाद में देखा मुख्य के यहाँ ये पंक्ति मिलती है मुझे एक नदी और एक नदी मिलकर एक नदी होती है फिर मैंने देखा कि एक जब बहुत हाई प्रेशर पर बहुत बहुत हीटेड उसमें एनवायरनमेंट में एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम से टकराता है तो एक हीलियम का एटम बन जाता है तो एक हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन इजिकल टू वन हीलियम, और एक हीलियम का एटम दूसरे हीलियम से टकरा करके एक कार्बन का एटम बन जाता है तो हो क्या रहा है इसके अंदर कि जो आउटर पेरीफेरी पर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगर एक भी अपनी ऑर्बिट से बाहर हो गया तो वो एटम का नेचर बदल जाता है दूसरे दूसरे तत्वों का एटम बन तो एक और एक एक लगातार हो रहा है ये सिर्फ धरती पर सरफेस पृथ्वी के सतह पर नहीं हो रहा ये वायुमंडल में भी हो रहा है हाँ जहाँ जहाँ वहाँ हो रहा है जहाँ पर कि एक स्टार एक तारा ब्लैक होल बनने की प्रक्रिया में है उस उसके अंदर जो पदार्थ जल रहा है वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे ब्लैक होल को हम ब्लैक होल तो कहते हैं लेकिन उसके अंदर तो रोशनी वो रोशनी के कणों को क्योंकि रोशनी पदार्थ है जो फोटोन्स हैं वो रोशनी को भी गिरफ़्तार कर लेता है तो ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसा ही नहीं है उसके बहुत सारे विकल्प जिस तरह से कि हम कहते हैं शब्दों के अंदर पंक्ति के अंदर एक वाक्य के अंदर जो बहुत सारे अर्थ होते हैं अर्थों के स्तर होते हैं उसी तरह से गणित में भी एक, आ, एक एक एक, एक, एक फॉर्मूले के बहुत सारे स्तर बन जाते हैं लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि कविता विज्ञान से ऊपर की चीज़ है ऊपर की चीज़ है हाँ हाँ इसलिए कि वो संवेदना जगाती है विज्ञान जो है विज्ञान को विश्लेषित करते करते क्योंकि हम पदार्थ में चले जाते हैं ज़्यादातर हम जब पदार्थ का विश्लेषण करने लगते हैं तो लेबोरेटरी में चले जाते हैं लेकिन कविता या कथा या साहित्य आलोचना इसका क्षेत्र तो मनुष्य का जीवन है और मनुष्य का जीवन में जब हम जाते हैं तो फिर हम आ, उसी तरह से बहुत सारे स्तरों पर पहुंचते हैं आप अपनी कविता में पानी की बात करते हैं पेड़ों की बात करते जी, हैं जी। नदियों की फिर एटम्स की बात करते हैं उन तमाम नियमों की बात करते हैं जो फिज़िक्स के हैं बायोलॉजी के हैं इंजीनियरिंग के हैं कभी इन स, तमाम बातों की शब्दावली इन तमाम विषयों की शब्दावली लेते हुए कठिनाई महसूस नहीं होती है कि आम आदमी तक पहुंचाऊंगा कैसे ये बात कभी आपने देखा होगा कि मेरी कविताओं में कोई पाद टिप्पणी नहीं होती जो कि विषय को समझा रही हो हुँ. मैं जो बात कह रहा होता हूँ उसकी प्रक्रिया भी कविता में ही शामिल होती है और बोलचाल की भाषा में ही होती है तो ये यानी मैंने ज़िंदगी भर सिविल इंजीनियर हूँ मैं तो मेरा काम पानी का है मेरा काम ईंट का है गिट्टी का है बालू का है लोहे का है अब जब मैं इन्हीं सब का काम करूँगा इन्हीं की चिंता में रहूँगा तो मेरी कविता में आने से वो उन्हें कैसे रोक सकता हूँ वो तो कविता में ऐसे ही आएंगी जैसे कि मेज़ कुर्ती फूल पत्ते आकाश चिड़िया आती है वैसे ही लोहे के सरिए भी आएंगे, जंग खाए हुए सरिये भी आएंगे स्टील के रॉड भी आएगी और कंकड़ पत्थर भी आएंगे बालू आएगी पानी आएगा सीमेंट आएगी कॉन्क्रीट आएगा सब आएगा ये आपको कंडीशन नहीं करता है कि मैं कंडीशन हो रहा हूँ उससे बाहर कैसे निकलूँ मैं तो मनुष्य के जीवन के बारे में लिख रहा हूँ अंततः तो मैं मनुष्य के जीवन पर ही आता हूँ संवेदना पर ही आता हूँ कि संवेदना के बिना कविता की यात्रा पूरी नहीं होती वो शुरू होती है सूक्ष्मता से फिर सौंदर्य के सीढ़ियों से गुजरती है सुंदर होना ही होता है और उसके बाद अंतिम लक्ष्य उसका संवेदना जगाना है अगर यहाँ तक की यात्रा पूरी नहीं करती तो फिर वो कविता अपने लक्ष्य तक पहुँचने से चूक जाती है एक लंबी यात्रा है क्योंकि अभी कविताएँ फैक्चुअल स्टेटमेंट से शुरू होती हैं और संवेदना पे आके ख़त्म होती है। जी बिल्कुल आमतौर पर कितने ड्राफ्ट लिखते हैं <laughs> कभी कभी कविता एकदम से हो जाती है कुछ शब्दों को पंक्तियों को आगे पीछे करना होता है कभी कभी शुरू की पंक्ति अंतिम पंक्ति बनानी होती है ये सब होता है लेकिन कभी कभी कोई कविता जैसे चंबल एक नदी का नाम हाँ इसको तो लिखते हुए बरसों हो गए कविता इतनी लंबी नहीं है कविता ज़्यादा से ज़्यादा होगी पचास पचास पृष्ठों की होगी अभी भी लिखी जा रही है अब अब मैंने उसको ज़्यादा लिखना छोड़ दिया है मैंने <laughs> अब इसको पूरा कर लेने दो क्योंकि अब मेरी उम्र ही पूरी हुई जा रही है तो कविता लगभग पूरी हो गई है और पूरा कभी नहीं मानना चाहिए क्योंकि पॉल वेलेरी का ये कथन है हाँ कि कभी ख़त्म नहीं होती कविता कभी ख़त्म नहीं होती इसे मुख्य ने बहुत कोट किया है तो लोग मुख्तोध के नाम से जानते हैं लेकिन है पॉल वेलेरी का कथन फ्रेंच फोइट हैं तो ये ख़त्म तो नहीं होती कविता लेकिन एक जगह पहुँच हमें उसे छोड़ना पड़ता है क्या अभी भी बोल कर लिखते हैं हाँ मैं बोल के लिखता हूँ बिना बोले क्योंकि मुझे तो कहना है अपनी बात कहना है और वो बात अगर ये आ, कुछ बात तो ऐसी होना चाहिए कि अगर कोई गोद का बच्चा है एक पाँच छः साल का है भाषा आती तो उसके भी समझ में आना चाहिए जो हमारे घर में काम करने वाले बच्चे हैं स्त्रियाँ हैं महिलाएँ हैं पुरुष हैं उनकी समझ में क्यों नहीं आना चाहिए अगर कोई बात मैं कह रहा हूँ तो उनकी समझ में भी आना चाहिए और आपकी समझ में भी आना चाहिए तो मेरी कोशिश ये होती है कि सरल बोलचाल की भाषा में ऐसी बातें कहूँ जिससे जिसमें मुझे परिभाषाएँ न बतानी पड़ें उनकी अगर बतानी है तो वो कविता में ही हों इसीलिए आपको कविताएं याद भी रहती हैं इसलिए बोल कर लिखते हैं बोल कर लिखता हूँ बार बार बोलता हूँ जहाँ तक कविता हो चुकी है वहाँ तक बोलते हुए बार बार आता हूँ ताकि अगली पंक्ति मिले मुझे और जब तक अगली पंक्ति नहीं मिलती तब तक मैं बोलता रहता हूँ तो वो कविता याद हो जाती है अगली पंक्ति भी आ जाती है। एक रेशनेलिटी है उसमें देखिए एक तार्किकता है एक, एक, एक सू, सूत्रबद्धता है अगर पिछली पंक्ति नहीं है तो अगली पंक्ति आएगी नहीं एक तर्क के साथ आती है जी आपका पाठ बहुत उम्दा होता है आम तौर पर हम हिंदी की दुनिया में ऐसा देखते हैं कवि लिखते बहुत अच्छा हैं लेकिन पाठ बहुतों का बहुत, बहुत ख़राब है ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ लेकिन बहुत कम कवि ऐसे हैं जो बहुत उम्दा पाठ करते हैं कि श्रोता अगर उसे समझ में भी नहीं आ रहा है तो वो आपके भाव से जुड़ता हुआ चला जाता है पाठ पर ध्यान देना इतना ज़रूरी क्यों है एक कवि के लिए स्वर में हमारी भावना होती है अगर हम हृदय से कोई बात कह रहे हैं तो हमारी बोली हमारा स्वर अंधेरे में बोला हुआ शब्द भी बता देता है हम सच बोल रहे हैं कि झूठ हम सचमुच दुखी हैं कि हम दुख का अभिनय कर रहे हैं ये अंधेरे में भी बोले हुए शब्द सुनने वाला पहचान लेता है ये झूठ बोलने वाला चोर अपराधी पकड़ा क्यों जाता है क्योंकि झूठ बोलते हुए उसके बोली में वो कन्विक्शन नहीं होता उसकी आँखों में उसकी आँखें बता देती हैं झूठ बोल रहा है तो ये जो बात है जब आप कविता में अपने अप, 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 अपने दिल की लगी हुई बात कह रहे हैं तो फिर आपके स्वर में वो बात आती है और अगर आपने उसकी संरचना बनाने पर कुछ काम किया है तो फिर वो उस धर से उसी तरह से तब आप उसका पाठ कर सकते हैं लिखते समय पाठ तैयार हो जाता है संरचना और पाठ अगर किसी कविता का कुछ उदाहरण दे दे पाए तो <laughs> मेरी कविता कोई कविता लें आप जिसका पाठ अच्छा लगता हो वो कविता लें आप, आप ये देखिए कि यही कविता है ना मेरी कविता लेना चाहे मेरी कविता लें और किसी की लेना चाहे आप गिरना कविता है मेरी जी उसकी हर पंक्ति में गिरना है वो गिरने से ही बनी हुई है हर पंक्ति चीज़ों के गिरने के नियम होते हैं मनुष्यों के गिरने के कोई नियम नहीं होते लेकिन चीज़ें कुछ भी तय नहीं कर पाती अपने गिरने के बारे में मनुष्य कर सकते हैं काय के बारे में गिरने के बारे में तो उसमें पचास पंक्तियां हैं तो उसमें कम से कम पचास बार गिरना भी है आप देखिए गिरने से बनी हुई कविता है वो पुल पार करने से पुल पार होता है नदी पार नहीं होती तीनों पंक्तियों में पार है नदी पार नहीं होती नदी में धसे बिना नदी में धसे बिना तो पुल का अर्थ भी समझ में नहीं आता नदी में धसे बिना पुल नदी में धसे बिना कितनी बार कहोगे भाई एक पंक्ति का एक बार उपयोग करोगे दो बार करोगे तीन बार करोगे चार बार है इस कविता में ये कविता बारह तेरह पंक्तियों की है उसमें चार बार ये पंक्ति आती है नदी में धंसे बिना नदी में धंसे बिना नदी में धंसे बिना और पार शब्द लगातार आता है पुल पार करने से पुल पार होता है नदी पार नहीं होती नदी पार नहीं होती फिर कुछ भी नहीं होता पार नदी में धंसे बिना न पुल पार होता है ना नदी पार होती अरे कितना पार है ये संरचना अगर नहीं होगी और विषय केंद्रित नहीं होंगे आप और उस पर उस पर अपनी सारी शक्ति केंद्रित नहीं कर रहे होंगे तो नहीं आएगी फिर और ये मैं आप कहेंगे कि आपने ऐसा लिख दिया अरे भाई आप विनोद कुमार शुक्ल को पढ़िए जो कविता अपनी संरचना में बहुत सुंदर है उसमें तो डिज़ाइन मिलेगा ठीक बात हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था व्यक्ति को मैं नहीं जानता था हताशा को जानता था इसलिए मैं उसके पास गया मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया वो मुझे नहीं जानता था हाथ बढ़ाने को जानता था हम दोनों कुछ दूर साथ साथ चले हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे साथ साथ चलना जानते थे ये नहीं जानता था जानता था नहीं जानता था जानता था कितनी बार आ रहा है एक डिज़ाइन की तरह एक पैटर्न गीत की तरह ये गीत तत्व है यानी आप स्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं क्यों देना चाहिए लेकिन मुक्तिबोध के बारे में आप कहते हैं उनके यहाँ स्ट्रक्चर नहीं है स्ट्रक्चर है मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए एक पांव रखता हूँ कि सौ राहें फूकती हैं और मैं उन सब पर से गुज़र जाना चाहता हूँ ये ये बात जो है हालांकि ये बात अलग है कि ये क्वांटम फिज़िक्स के स्टेटमेंट से आ रही है स्टीफन हॉकिंग को अगर आप पढ़ेंगे तो आप आप देखेंगे कि एटम अगर एक जगह से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता वो अनंत पथों पर होता हुआ जाता है और उसके लिए शब्द उसने स्टीफन हॉकिंग तो अंग्रेज से अंग्रेजी में लिखते साइमल्टेनियसली इट कैन बी फाउंड ऑन ऑल द पाथ्स साइमल्टेनियसली देर आर इनफाइनाइट पाथ्स अनंत पथ हैं और उन सब पर एक साथ साइमल्टेनियसली फिर वो क्लेफाई करता है ये ये कहता है कि इट अपियर्स एज इफ़ दिस जैसे साइंस फिक्शन बट इट इज नॉट आप कह रहे हैं कि मुक्ति बोध जब भी लिख रहे थे तो उनके जहन में क्वांटम फिजिक्स चल रहा बिल्कुल था बिल्कुल था क्योंकि उनकी जगह जगह उन्होंने इसकी इसका जिक्र किया है गणित का जिक्र किया है ऋण एक राशि का वर्ग मूल अंडरवुड माइनस वन अंडरवुड माइनस वन की जो संख्या है वो आ, मतलब असंभव संख्या है अंडरवुड माइनस वन को सॉल्व नहीं कर सकते लेकिन उसका गणित में बड़ा उपयोग है इक्वेशंस में बड़ा वो सरल बना देती है आई अंडर रूट माइनस वन तो वो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं गणित का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और क्वांटम फिजिक्स के बारे में तो वो कहते हैं कि अंतरिक्ष का आकार क्या है इसी पर तो आइंस्टाइन काम कर रहे थे आइंस्टाइन काम कर रहे थे कि जो आ, अंतरिक्ष है उसका शेप क्या है उसका साइज़ क्या है जब वो कहते हैं ये स्टीफ ये हबल था आ, इंग्लिश साइंटिस्ट था जिसने पहली बार कहा था कि अंतरिक्ष फैल रहा है अरे भाई लोगों ने कहा तुम्हें कैसे पता फैल रहा है बोले तारों की जो रोशनी आ रही थी वो अब दूर से आ रही क्या कौन से तारे की रोशनी कहाँ आ रही है तुम्हें क्या पता तब उसने कहा कि हर तारे का स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है यानी किसी में लाल रोशनी नहीं है किसी में नीली नहीं है किसी में हर उनका क्रम अलग है तो हर तारे का स्पेक्ट्रम अलग है मुक्त के यहाँ जाइए वो कहते हैं इस ढेले का स्पेक्ट्रम क्या है अरे ये काय का ढेला और का स्पेक्ट्रम ढेले में स्पेक्ट्रम यानी तो तारों में स्पेक्ट्रम होता है तो ढेले का भी कोई स्पेक्ट्रम होता होगा लेकिन नरेश जी ये तो ज़्यादा है मतलब आप हर हर कवि को अगर विज्ञान और गणित की कसौटी पर कसेंगे जैसे आ, इस इंटरव्यू से पहले भी आपने एक वाक्य कहा वो था। अकेले कवि हैं मुक्त हिंदी के अकेले कवि हैं जो अपने समय के लेटेस्ट साइंटिफिक इन्वेंशन से 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 परिचित थे लेकिन सबके साथ ऐसा ज़रूरी नहीं है दूसरी बात ये कि मैं कसौटी पे कस रहा हूँ कल का मेरा कविता पाठ अपनी बात मेरी बात के साथ रखकर देखिए ये बच्चे थे कोई विज्ञान के छात्र नहीं थे शायद हों दो चार इंजीनियरिंग के विज्ञान के भी होंगे लेकिन मेजॉरिटी तो हिंदी भाषा के छात्र थे और वो किस तरह रिएक्ट कर रहे थे क्या मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा था नहीं करना पड़ रहा था तो ये बात नहीं है <laughs> क्या आपकी कविताओं पर मुक्तिबोध का प्रभाव है मुक्तिबोध की बातों का प्रभाव है कविता पर तो नहीं क्योंकि कविता में वो बिखरी हुई हैं उनकी कवि उनके अंधेरे में कविता उनकी एक पांव रखता हूँ कि सौराहें फूटती हैं ये कविता भूल गलती और ब्रह्म राक्षस ये ये कुछ कविताएं हैं जिनमें संरचना स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देता है हमें बाकी कविताएं बहुत बिखरी हुई हैं और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है ये फेलियोर है बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आप मैं मैं सही कह रहा हूँ आपको कि वो कवि वो कविताएं उनका विज़न बहुत बड़ा है वो एक एक चीज़ से दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है उसके बारे में कह रहे हैं लेकिन स्ट्रक्चर नहीं है उसमें और उसको स्ट्रक्चर को बनाना नहीं आता ऐसा नहीं है आता है ऐसी वो तो छंद में लिखते थे मुझे पुकारती हुई पुकार खो गई कहीं किसने से हाँ लिखते हैं वो छंद में वो ख़ुद भी कहते हैं कि छंद में एक अनुशासन रहता है गद्य में वो अनुशासन नहीं रहता गद्य में उस अनुशासन को लाने के लिए वक्त नहीं मिला उन्हें सैंतालीस साल की कोई उम्र होती है सैंतालीस साल में तो लोग लिखना शुरू करते हैं कायदे से सैंतालीस साल की उम्र के पहले तीन चार साल बीमारी में गुजर जाते हैं उनके तीन चार साल घटा दीजिए तो बयालीस सैंतालीस साल की उम्र बनती है और बयालीस सैंतालीस साल की उम्र में तो उन्हें नौकरी पहली बार कायदे की मिली उससे पहले सात आठ बच्चों का परिवार और कोई कभी सूचना विभाग में नौकरी मिली वहाँ से निकाल दिए गए कि कम्युनिस्ट है मार्क्सवादी है निकालो इसे आकाशवाणी में नौकरी मिली वहाँ से निकाल दिए गए उसके बाद एक छोटे से अखबार में भरी गर्मी में लू लपट में टिन शेड के अंदर बैठे हुए अखबार आ, सूचना भी एकत्रित मतलब न्यूज़ हॉकर भी खुद थे उस अखबार के आ, प्रूफ रीडर भी खुद थे एडिटर भी थे और वो अखबार इस तरह के संघर्ष में जीवन उन्होंने जिया है कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते उसी में कविता लिखते थे तो कविता को फॉर्म देने का वक्त उनको नहीं मिला सहूलियत नहीं मिली विनोद कुमार शुक्ल के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहे वो आपके लिए गाना गाते हैं आप दरवाज़ा कविता उनके लिए लिखते हैं <laughs> क्या आप दोनों एक दूसरे की लेखन की आलोचक भी थे या केवल वाह वाह ही आपने बहुत अच्छा लगा मैंने बहुत अच्छा लिखा सवाल ही नहीं था हम लोग जिस वक्त मिले थे उस वक्त दोनों को कोई नहीं जानता था हिंदी साहित्य में प्रारंभिक कविताएँ थीं हम लोगों की मेरी उम्र तो अठा उन्नीस साल की थी दो साल बड़े थे इक्कीस साल के थे वो एग्रीकल्चर साइंस पढ़ रहे थे मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था हम दोनों रोज़ शाम को रोज़ शाम को मैंने हफ्ते में तीन चार दिन मिलते थे प्रसाद जी के घर वहाँ से पैदल टहलते हुए साइकिलें लिए हुए हॉस्टल से आते थे एक बार तो ये हुआ कि बातें करते करते सर्दियों की रात थी और रात का एक बज गया एक बजे का होश हमें तब आया जब सेकंड शो सिनेमा के लोग लौटने लगे अरे हमने कहा विनोद जी टाइम क्या हो गया तो पता लगा रात का एक बजा है हॉस्टल हमारा दस किलोमीटर दूर विनोद जी का भी रास्ते में सुनसान तो कहा अब क्या जाएंगे रात को अब सवेरे ही जाएंगे सारी रात सर्दियों की रात हम एक एक दुकान के शेड में सारी रात बातचीत कविता के बारे में ही करते रहे <laughs> और परसाई जी के साथ कैसे संबंध रहे परसाई जी के साथ कम बोलते थे हम लोगों ना विद्यार्थी छोटे थे उनके सामने परसाई जी अपने जबलपुर के बहुत प्रतिष्ठित नागरों नागरिकों में से थे बड़े लेखक थे हमारे सामने ही बड़े थे वो और ज़्यादा बात नहीं लेकिन उनके पास मुक्ति बोध आते थे तो उनके पास ठहरते थे नामवर सिंह आए तो उनके पास तो उनके जरिए हमारा संपर्क हिंदी के सबसे बड़े आलोचकों कवियों लेखकों से होता रहा उनके पास हिंदी की तमाम पत्रिकाएँ जो स्टाल पे नहीं मिलती थी वो मिल जाती थी वही हमारा शोर था और हमने कभी परसाई जी को आ, मतलब ये कि एक बार एक बार बता ही दूँ इसको हाँ कि एक बार कुछ दो लड़के आए बोले कि सर आपका सम्मान करना चाहते हैं बोले अच्छा तो ठीक है आ, कितनी देर तक कितना समय लगेगा वरे साहब पहले वो हमारे कॉलेज के जो अध्यक्ष हैं वो व्याख्यान देंगे फिर जो सेक्रेटरी हैं वो उसका इतिहास बताएंगे फिर जो उसके मालिक हैं वो बोले जाए वो सब ठीक है समय कितना लगेगा वे साहब दो घंटे तो लगेंगे और आ, क्या देना है उसमें मिलेगा क्या हमें वो साहब शॉल और श्रीफल नहीं वो सब नहीं कुछ रुपया पैसा <laughs> भी है उसमें <laughs> तो अब वो चक्कर में पड़ गए हाँ। आप उसमें थोड़ी सी बातचीत की तो फिर उनको लगा कि एक सौ एक रुपये शायद हो ही जाएगा तो बोले सर एक सौ एक रुपये बोले सौ रुपये में दो घंटे तक सम्मान नहीं करा सकते हम <laughs> समझे? हाँ। आप जाइए हाँ। और उनसे सही पैसा पता करके आइए या हाँ। यानी ये कि सौ रुपये में दो घंटे तक सम्मान नहीं कराएंगे हम तो इस तरह कि एक एक बात नहीं परसाई जी के साथ रहते हुए क्योंकि तो पीछे पीछे चलते रहते थे इस तरह की बातें सुनते रहते थे परसाई जी से आपके कविता संग्रह नरेश जी इतने कम क्यों आए आपकी बातें अगर मैं लूँ तो कविताओं का जो वो एक, रहे, एक रहे, है एक पांव रखता हूँ सौ राहें फूटती हैं तो बहुत सी कविताएं फूट सकती हैं लेकिन आप कविताएँ इतनी कम क्यों कर दिए लिखना आप संग्रह कोई उठा लीजिए उसमें कितनी कविताएं मिलती हैं आपको संख्या में तो पचास साठ कविताएं होंगी पठनी ये कितनी होती पचास में से अगर तीन चार कविताएं मिल जाएं पढ़ने लायक तो समझिए बड़ी बात है तो उस ऐसे संग्रह तो आ, मैं भी दे सकता हूँ मेरे पास इतनी बड़ी इतनी मोटी गड्डी है पुराने रजिस्टरों की लिखता रहता हूँ रोज़ रात को लिखता हूँ मैं छपाता नहीं उन्हें पता ये भी नहीं कह सकते ना पाठक को कौन सी कविता लगती है पाठक को नहीं पहला पाठक तो मैं हूँ मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ अगर मैं खुद रोमांचित नहीं हूँ कल जब मैंने चंबल पढ़ी है हाँ तो सिर्फ एक जगह मेरा गला थोड़ा सा चोक हुआ है वरना तो मैं दो तीन जगह उसमें ऐसी हैं जहाँ मेरा गला रूंध जाता है वो खुद यानी मेरी लिखी हुई कविता है लेकिन मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता ये 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 कविता जो है हाथ डुबोए गए खोलते हुए तेल में और फफोले पड़ते ही अपराध सिद्ध हो गए गिद्ध हो गए पंच परमेश्वर और सभी जन कांकर पाथर चिरे कुकुर भेड़ हो गए घास हो गए पेड़ हो गए ये 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 चूँकि सच्चाई है और इसको मैंने ऐसे नहीं लिख दिया इसके इसको फिर मैंने इसको तरतीब दी है जिसकी वजह से मैं इसको इस तरह पढ़ पा रहा हूँ मेरा पूरब चले पूर्वा चले तो पूरब से आती है उनके रोने की आवाज़ और पश्चिम पर अपछुआ चले तो पश्चिम से आती है उनके रोने की आवाज़ और जब किसी दिशा से चलती नहीं हवाएं होते और साएं साएं सन्नाटा लोग समझ लेते हैं ये उनके मर जाने की आवाज़ तो ये जो कविता है कुत्तों और सियारों के रोने की आवाज़ों में उनके रोने की आवाज़ ये जो कविता है हिला मुझे हिला देती है अगर मुझे नहीं हिलाएगी तो आपको क्या हिलाएगी ये कोई चमत्कार नहीं है ये कोई खेल तमाशा आ, आ, जादू का कोई परफॉर्मेंस नहीं है इसके पीछे संवेदना है और कविता एक कला है और कोई कला बिना सीखे और बिना उस पर मैं एक एक चित्रकार एक चित्र बनाने पर बरसों लगा देता है तो आप कैसे कह रहे हैं कि इतनी कम कविताएं लिखी हैं कविताएं हैं वो मेरी मेरी किताब से कोई प्रश्न खोल लीजिए तो ऐसा नहीं होगा कि मैं उस कविता को पढ़ूं और वो आप तक पहुंचे नहीं और आप उससे संवेद उसकी संवेदना से संवेदित ना हो कोई कविता पढ़ें आप तो कविताओं की ऐसे कुछ भी लिखते रहना प्रोडक्शन में विश्वास नहीं है प्रोडक्शन करना नहीं। भी नहीं चाहिए कविता का प्रोडक्शन थोड़ी होता है हाँ परिमाण में नहीं होता आ, कविता कविता बल्क में नहीं होती कविता हमेशा गुणवत्ता लेकिन ये मेरी कमी ये मेरी कमी आप समझ मान सकते हैं कि ये मेरी कमी है कि मैं कम लिख पाता हूँ आलसी भी हूँ <laughs> और दूसरी बात ये एक और बात है कि मैं सिर्फ कविता ही तो नहीं लिखता मैं थोड़ी बाँसुरी भी बजाता हूँ थोड़ा माउथ ऑर्गन भी बजाता हूँ मैं भाषा की संगीतिक संरचनाएं भी बनाता हूँ इस स्तर की तो बनाता ही हूँ कि वो आकाशवाणी दिल्ली से लखनऊ से इलाहाबाद से उनका प्रसारण हो इसी पर बात करेंगे अब नरेश जी आपने कलाओं की बात की बांसुरी और माउथ ऑर्गन बजाते हैं माउथ ऑर्गन तो मैंने सुना है आपसे अच्छा कोई नहीं बजाता आपने यहाँ तक कह दिया कि शायद आर डी बर्मन को सुनकर आपको ऐसा लगा कि वही मुझसे अच्छा बजाते हैं <laughs> और कोई मुझसे अच्छा नहीं बजाता <laughs> मैंने मुकेश के साथ बजाया है जबलपुर में एक चैरिटी शो था जिसके टिकट पाँच पाँच सौ तो रुपये थे डिफेंस का एक एक चैरिटी शो था मुकेश उसमें आए थे गाने के लिए और उनको ज़रूरत थी कि पंद्रह मिनट का ब्रेक कोई आर्टिस्ट दे दे तो मुझे बुला लिया उन्होंने और मैं तो बड़ा खुश क्योंकि कि टिकट तो हम ले नहीं सकते थे मुकेश के प्रोग्राम के हॉस्टल में थे तो खैर मैं माउथरगन के लिए बजाने के लिए गया वहाँ और मैं जब विंग्स में थोड़ा सा मैं उसको बजा रहा था कि अब आप अब मुकेश ख़त्म करने वाले हैं अनाउंसमेंट हो रहा था कि पंद्रह मिनट का ब्रेक है और इसमें आपको नरेश सक्सेना बाँसुरी और माथुरगन बजाएंगे तो मैं थोड़ा सा अपने माथरगन पर वो किसी की मुस्कुराहटों हो निसार मुकेश का गाना है तो उसी की धुन थोड़ा सा बजा रहा था उसका जो इंट्रोड्यूड म्यूज़िक है वो बजा रहा था तो मुकेश ने कहा अरे आप ये बजाते हैं मैंने कहा जी बजाता था हूं। तो बोले कि मैं इसके साथ गाऊंगा तो मैंने कहा गाइए इससे अच्छा क्या होगा तो बोले आप शुरू करिए मैं एंटर करता हूँ और फिर मैं गाने लगूँगा तो मैंने शुरू किया अब मेरे पास सी आ, स्केल जो है आ, वो थोड़ी सी ऊंची स्केल होती है। और मुकेश का गला उतने ऊपर जा नहीं, नहीं पाता जाता। था तो मुकेश ने शु, शुरू शुरू की पंक्तियाँ तो गाईं और जब मैंने उसका जो बीच का म्यूज़िक था इंस्ट्रूमेंटल वो बजाया और उसके बाद जब मैंने लिया और उनकी तरफ देखा तो गाया उन्होंने लेकिन एक पैरा गाने के बाद वो पीछे हट गए और उन्होंने मुझसे कहा कि अब आप बजाते रहिए क्योंकि मैं देख रहा था उनको तो थोड़ा वहाँ उस पिच पर पहुँचने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं बजाता था और जबलपुर में तो मुझसे अच्छा कोई बजाता नहीं था किसी शहर में मैं ग्वालियर में रहा जबलपुर में रहा भोपाल में रहा मुझसे अच्छा मोथर्न कोई नहीं बजाता था ले, लेकिन जब मैंने आ, एस डी का म्यूज़िक था उसमें आर डी का नहीं था लेकिन उसमें माओ मौ, में बचता है एक गाना है देवानंद थे उसमें चुपके से मिले प्यासे प्यासे कुछ हम कुछ तुम उसमें एक धुन बजती है और वो जब धुंस मैंने सुनी और पता लगा कि आर डी की बजाई हुई है तब तो मुझे लगा कि आर डी मुझसे अच्छा बजाते जी इसीलिए मैंने <laughs> आर डी बर्मन कहा <laughs> जी तो निश्चित रूप से और और बांसुरी के बारे में थोड़ा बताइए ये शौक कब से लगा और आपकी कविता भी है तो मैं आपसे उसी कविता से ये पूछ लेता हूँ कि जब बांसुरी बजाते हैं तो बांस बजता है या आदमी हाँ क्या बात है बहुत सुंदर हाँ कविता में तो वो कविता देखिए कविता तो वो एक तरह से कुछ ना कुछ टेक्निकलिटी जैसे आप बता रहे हैं हाँ हाँ कि भूख के वजह से कीड़ों ने बांसों में छेद कर दिए थे और जब जब हवा उन बांसों से होकर गुज़रती तो अजीब बेसुरी और रोने जैसी आवाज़ें सुनाई देती कीड़ों को तो पता ही नहीं था कि वे संगीत के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं और एक ऐसे वाद्य का आविष्कार जिसमें मनुष्य की सांसें बजती हैं मैंने कभी कहा था मैंने कभी कहा था कि बांसुरी में सांस नहीं बजती बांस नहीं बजता बजाने वाला बजता है लेकिन अब जब भी बजाता हूँ बांसुरी तो उसमें राग चाहे जो हो वो जैसी भी हो धुन उसमें कीड़ों की भूख और बांसों का रोना भी सुनाई देता है क्या बात? तो ये बांसुरी जब मैं जब मैं ग्यारह बारह साल का था तो ये फ़िल्म आई थी बरसात शंकर जक्शन का म्यूज़िक था और उसमें जो धुन बजती है बरसात में हमसे मिले तुम सजन तुमसे तुम से मिले हम वो कोई रात को बजाता हुआ निकलता था वहाँ से और मुझे एकदम ऐसा लगता था मतलब ये कि एक लहर सी उठती थी कि, कि कितना सुंदर है ये बांसुरी पे जो बज रहा है और मैं अगर इसे बजा सकूँ तो कैसा होगा ये तो बांसुरी मैंने किसी से सीखी नहीं दरअसल मैंने बांसुरी नहीं सीखी मैंने माउथरगन भी नहीं सीखा मैंने फिल्म बनाना भी नहीं सीखा किसी से कविता लिखना तो कोई किसी को सिखा नहीं सकता यहाँ तक कि मैंने इंजीनियरिंग भी क्लासरूम <laughs> <laughs> में नहीं सीखी है <laughs> बिल्कुल किताबों से बाद में पढ़ करके जब जब मौका आया और मुझे करना पड़ा वो काम तो फिर मैं किताबों खोली पढ़ा समझा जो समझ में नहीं आया वो अपने सीनियर से जाके पूछा समझ लिया उसे तो वो काम किया मैंने तो मैंने सीखा किसी से तो कुछ नहीं फ़िल्म निर्देशन की तरफ मैं आऊँगा लेकिन उसमें चूंकि आपकी पत्नी का ज़िक्र होगा एक जगह पर इसलिए मैं उससे पहले एक व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ आप चाहें तो इस सवाल का जवाब देने से मना भी कर सकते हैं मुझे आपत्ति नहीं होगी आपका विवाह हुआ और बहुत कम लोग उसमें शामिल हुए ऐसा क्यों था और क्या उस चीज़ का मलाल है नहीं नहीं, खुशी है लोगों के होना अच्छा होता लेकिन दिक्कत थी एक क्योंकि मेरी पत्नी की माँ तव तवाइफ थी तवाइफों के मोहल्ले में या सेक्स वर्कर्स के मोहल्ला था वो उसी में उनका घर था उसका नाम गुरंदी बाज़ार था गुरंदी की जो गली थी उसी के तिराहे पर उनका बेनी बाई का कोठा था वहीं मेरी पत्नी विजय रहती थी तो उनसे जब हमने ये कहा मेरे बड़े भाई ने बड़े मेरे, मेरे बड़े भाई विरुद्ध नहीं थे उन्होंने उनसे कहा कि आप लखनऊ आके शादी कर दीजिए और तो उन्होंने और 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 वहाँ से कर दीजिए ये किसी मंदिर में चल के शादी कर दीजिए या समाज से शादी कर दीजिए तो ख़र्चा भी नहीं होगा तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया बारात तो हमारे मोहल्ले में ही आएगी तभी शादी होगी तो ये बात उनकी एक शर्त की तरह से थी कि बारात आए तो पूरा मोहल्ला देखे कि हमारी बेटी की बारात आई है ये बड़े मतलब उसकी बात थी कि वो चाहती थी वो कहती थी कि यहाँ से बहुत लड़कियाँ शादी के नाम पर जाती हैं लेकिन लौट कर नहीं आती कभी उन्होंने गवाह बनाया उन्होंने जाकर के पूछा पंडित भवानी प्रसाद तिवारी मेयर थे जबलपुर के उनको राखी बांधती थी उनसे जाके पूछा कि भैया ये लड़का है इंजीनियर है शादी का रिश्ता आया है उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत अच्छा लड़का है तो उन्हें शक हो गया कि कहीं उनकी बेटी ने पहले से जाके ये ना कह दिया हो कि अम्मा पूछें तो कह देना कि अच्छा लड़का है तो उन्हों वो समझ गए तो उन्होंने कहा कि तुम्हें हमारी बात पे शक है परसाई जी की बात मानोगे कहाँ परसाई जी की बात मानेंगे परसाई जी बुलाए गए तो वो तो बड़ा अजीब परसाई जी आते ही बैठे भी नहीं थे कि उन्होंने पूछा भवानी प्रसाद तिवारी ने कि बरसाई जी ये नरेश कैसा लड़का है बोले कौन नरेश अरे बोले वो तुम्हारे पास आता है कविताएं लिखता है तो बोले क्यों क्या किया उसने कने किया नहीं करने वाला है बोले क्या करने वाला है <laughs> बोले वो इनकी बेटी से शादी करने वाला है तो बोले अरे समझ गए वो उनकी तरफ़ पलट के बोले देखो बेनी भाई लड़का अपने पैरों पे खड़ा है लड़की भी अपने पैरों पे खड़ी है वो चाहेंगे तो बिना बताए शादी कर लेंगे और अगर कोई दिक्कत आई तो फिर मैं करवा दूँगा तुम्हें टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है उसमें राज़ी खुशी कर दो तो बोली तो भैया फिर आप ज़िम्मेदार होंगे बोले हाँ हम जिम्मेदार होंगे तो बोले फिर आपका नाम छपेगा कार्ड में <laughs> बोले हाँ नाम छपे छपवा देना हमारा नाम कार्ड में तो बोले आप दोनों के नाम छपेंगे तब तक नर्मदा प्रसाद खरे एक वहाँ के बड़े प्रकाशक और कवि थे वो आ रहे थे उन्होंने सुन लिया तो बोले कि भाई कहाँ नाम छप रहे हैं लोगों के मेरा भी छपवा देना वहीं ये तीन नाम मेरी पत्नी की तरफ से जो शादी के कार्ड छपे थे उसमें हरिशंकर परसाई भवानी प्रसाद तिवारी और नर्मदा प्रसाद खरे इन तीनों के नाम थे क्योंकि रिश्तेदारों ने पता लगा लिया था कि मैं कहाँ शादी कर रहा हूँ क्योंकि उनकी बताई लड़कियों से उनके बताए दहेज से आकर्षित नहीं हो रहा था मैं मना करते जा रहा था तो वो नाराज़ थे वैसे भी अच्छा कब मिले मिले थे कहाँ मुलाकात आपकी उनसे हुई थी असल और... में मेरी पत्नी विजय जो थी गाती थी बहुत अच्छा बहुत उनको ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस यूथ फेस्टिवल में बेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक ये उनको अवार्ड मिला था अमीर ख़ान उसमें मौजूद थे बल्कि अमीर ख़ान उनके घर आए जबलपुर में और कहा कि बेटी बहुत अच्छा गाती है और इसे अगर आप चाहें तो मैं सिखाना चाहता हूँ तो गाती थी आकाशवाणी से दूरदर्शन पर और दूसरी जगहों पर विजय गाती थी जबलपुर में मंच पर उस समय तो छोटी थी जबलपुर इंजीनियरिंग मैं जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज फर्स्ट ईयर में था ये इंटरमीडिएट में थी तो मंच पर अक्सर जी उनकी तो बाकायदा सरकारी नौकरी लग चुकी थी आपने उनकी तैयारी करवाई थी और फिर छुड़वा कर उनको एफ टी आई भेज दिया क्यों ऑल इंडिया रेडियो में थी हाँ और मैं फिल्मों के प्रति बहुत आकर्षित था और चाहता था विधिवत सीखना फिल्म बनाना तो मैंने ही उनको प्रेरित किया उन्होंने कहा मैं म्यूज़िक सीखना चाहता हूँ मैंने कहा भाई मैं फ़िल्म चाहता हूँ तुम जाओ मैंने उनको तैयारी करवाई फ़िल्म का फिल्म इंस्टीट्यूट में सेलेक्शन आसान नहीं होता फिल्म डायरेक्शन में ख़ास तौर से आ, बीस उस समय में बीस सीट होती थी बीस में से भी दो तीन रिजर्वेशन में होती थी और कम से कम दो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए होती थी पंद्रह बजते थे यानी ऑल ओवर इंडिया अकेला इंस्टीट्यूट है और पंद्रह लोगों का ही उसमें सेलेक्शन होना है आ, फिल्म डायरेक्शन में तो वो बहुत टफ था और लड़कियों को वैसे भी एडमिट नहीं करते थे तो ठीक है लेकिन नरेश जी मतलब ये थोड़ा सा सुनने में अटपटा सा लग रहा है कि आप सीखना चाहते थे इसलिए आपने <laughs> पत्नी की नौकरी छुड़वाकर उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर उनको भेज दिया ये तो, तो मैंने कहा एक आदमी सही एक आदमी नौकरी करता रहे बहुत है मैं तो मैं मैं खुद ही नौकरी नहीं करना चाहता था लेकिन अब मजबूरी है तो तुम चली जाओ सीखने और फिर हम लोग दोनों मिलकर फिल्में बनाएंगे ऐसा था यानी आपने अपनी इच्छाओं के लिए हाँ मैंने अपनी पत्नी की लेकिन वो मेरी पत्नी इसके बाद बड़े पदों पर गई मुझसे ज़्यादा बड़े पदों पर गई वो है ना वो एम्बेसी ऑफ इंडिया में एट द लेवल ऑफ़ फर्स्ट सेक्रेटरी डायरेक्टर हुई वहाँ जाके इंडियन कल्चरल सेंटर की और वहाँ शूरी के लोग उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने कहा हम सूरी की नागरिकता देंगे आपको और आपको जितना जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट यहाँ है वो सब आपको देंगे बियर करेंगे और यू में हमारी स्थाई प्रतिनिधि आप बन जाइए उनके पद का लाभ उठाने का प्रयास किया कभी मैंने नहीं कोई सवाल नहीं था मेरा पद वैसे तो छोटा था मैं अंततः जब रिटायरमेंट होने के पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था टेक्नोलॉजी मिशन का उससे पहले डिप्टी मैनेजर था उत्तर प्रदेश जल का मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहा मैं ज़्यादातर वक्त तो मेरा काम अलग था उनका काम अलग था लेकिन फिल्म में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला उसमें उनका कोई योगदान वो थे ही नहीं भारत में वो उस समय भारत में नहीं थी मेरे दोनों बच्चे भारत में नहीं थे पत्नी भी नहीं थी फिल्म उन्हीं को बनानी थी दरअसल लेकिन वो गवर्नमेंट से जब तक उसके उसका फंड्स रिलीज़ हुए तब तक वो सूरी नाम जा चुकी थी तो वो लोग बनाने बन, उन्होंने कहा जिस डायरेक्टर को बनाना था वो तो चली गई उन्होंने कई मैंने कई लोगों को नाम बताए कि उनसे बनवा लीजिए लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पे कोई बनाने को तैयार नहीं था पैसा भी कम था उसमें तो फिर अंततः तो उन्होंने कहा कि हमारे फ़ंड लैप्स हो जाएंगे मार्च में और दोबारा रिलीज होंगे कि नहीं होंगे तो हम हमारा तो बड़ा नुकसान हो गया तब तो मैंने उनको एक सीन जो सेक्रेटरी थे आ, उस वक्त मिस्टर जी गणेश गणेश सेक्रेटरी थे साउथ इंडियन थे उनको मैंने एक सीन एक्सप्लेन किया जब मैंने सीन एक्सप्लेन किया जिस तरह से फिल्म की लैंग्वेज में ग्रामर के साथ में तो वो उससे प्रभावित हुए ठीक है कार्यक्रम के अंतिम दौर में हैं हम लोग मेरे पास समय कम है और आपके पास भी समय कम है तो कुछ प्रश्न हैं मैं चाहता हूं कि उसका उत्तर बिना दिए आपको मैं यहाँ से ना ही जाने दूँ मैं जल्दी जल्दी उनको समेट आप राजनीति पर सीधे लिखने से कुछ समय तक बचते रहे लेकिन इधर की आपकी सोशल मीडिया पोस्ट देखें तो आप सीधे सीधे राजनीति पर प्रहार कर रहे हैं अचानक से ऐसा क्या बदलाव हुआ आज की राजनीति रोज झूठ बोली झूठ जूट ही झूठों की ही राजनीति है और नि, निरी सांप्रदायिकता निरी घृणा रोज फैलाई जा रही झूठ बोले जा रहे हैं तो ऐसे समय में चुप रहा नहीं जाना चाहिए ये काम तो आप कविता के जरिए भी कर सकते हैं कविता के जरिए तो करते भी हैं ऐसा तो नहीं है कि कविता एस्टेब्लिशमेंट के पक्ष में तो कभी नहीं लिखी गई और ऐसा भी नहीं था कि कांग्रेस का विरोध हमने कभी नहीं किया उससे पहले लगातार कांग्रेस की सरकारें थीं उन सबका भी विरोध करते रहे आप मध्यवर्ग को पतित क्यों कहते हैं वही मध्यवर्ग आपकी कविताएं पढ़ता है और सुनने भी आता है इससे क्या होता है ये कोई हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन तो नहीं है कि हमारा मध्यवर्ग कंज्यूमर है तो उसको खुश करने के लिए हम कुछ प्रेम की कविताएं कुछ प्रेम के गीत कुछ झूठी कविताएं कुछ चुटकुलेबाजी करें तो ये व्यापार करने का काम तो कविताएँ नहीं करती ये तो हमारे जीवन को बदलने का काम करना चाहिए इन्हें तो हम वैसा ही करते हैं कविता को सच बोलना चाहिए और ऐसा नहीं है कि कविता में ही सच बोलना चाहिए जीवन में भी सच बोलना चाहिए पुरस्कारों की बात करें तो क्या आपको साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ तक भी हम जाएं पुरस्कारों के ना मिल पाने का दुख है नहीं कोई दुख नहीं और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे दुख कम होता जा रहा है क्योंकि उन पुरस्कारों की वो इज्जत नहीं रही दुख कम हो रहा यानी दुख रहा होगा <laughs> नहीं ऐसा ऐसा मत मानिए मैं साठ वर्ष की उम्र का हो गया था तब तक मेरी कोई किताब नहीं थी मैं पूरे भारत में कविता पढ़ने के लिए बुलाया जाता था मेरी पत्नी भी जॉब में थी और मैं भी जॉब में था तो कोई ऐसी स्थिति नहीं थी बच्चे भी दो ही थे कोई बहुत बड़ा परिवार नहीं था कोई भाई बहन और माता पिता सपोर्ट करने के लिए नहीं थे हम दोनों सेल्फ सफिशियट थे लेकिन मैंने किताब नहीं छपवाई लेकिन वो किताब भी तो तभी छपी नरेश जी जब ज्ञान रंजन जी ने कहा कि पहल सम्मान देना है बिना, बिना 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 पुस्तक के ही मुझे पहल सम्मान घोषित किया उन्होंने बल्कि उसके पीछे की बात यह है कि ज्ञान रंजन ने मुझसे कहा कि नरेश तुम्हारी इस साल तुम्हारे संग्रह आ जाना चाहिए मैंने कहा आ जाएगा बोले यार तुम कई साल से कह रहे हो और तुम हमारी समस्या नहीं समझ रहे मैंने तुम मुझे थोड़ा सा पता नहीं उस समय ज्ञान रंजन की बहुत इज़्ज़त करता हूँ लेकिन उस समय तो कुछ तलखी से मैंने कहा कि ज्ञान रंजन जी आपकी समस्या हम अच्छी तरह समझते हैं जिनकी बहुत सारी किताबें हैं पहले उनको सम्मान दे दीजिए जब वो निबट जाएँ तब उनके बारे में सोचिएगा कि जिनकी किताब नहीं है वो वो भी कभी हैं क्योंकि वो तो कभी है नहीं आपकी नज़र में तो आहत हुए चुपचाप चले गए अगले दिन उन्होंने फ़ोन किया कि इस वर्ष का पहल सम्मान तुम्हें दे दिया गया है तो मैं रिटायर हो गया था रिटायरमेंट के दो साल बीत गए थे मेरी कोई किताब नहीं थी तो आप समझते हैं कि मैं पुरस्कार लेने के लिए ललायक था मैं कभी नहीं था मैं बहुत संतुष्ट हूँ बहुत प्रसन्न हूँ और अगर कभी कोई श... जैसा आपने कहा कि अगर कभी कोई सोच हुआ कि ये सम्मान नहीं मिला उसके लिए कोशिश तो मैंने की ही नहीं तो मिलने का प्रश्न नहीं था फिर भी आप कह रहे हैं अकादमी सम्मान अब, के लिए अब, कोशिश अब, करनी होती है अब जिस तरह से नहीं 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 मतलब करते होंगे लोग जिस तरह से अकादमी सम्मान और दूसरे सम्मान आजकल दिए जा रहे हैं उनकी विश्वसनीयता है दुर्भाग्य से कम होती जा रही है तो ये ये कोई कोई दुख या सोच या उसकी बात हीन भाव की बात बिल्कुल नहीं है क्या नरेश सक्सेना अभी भी अव्यवस्थित रहते हैं <laughs> भाई व्यवस्था जो है एक ही जगह कर सकते हैं आप हाँ या तो आप जूते और कपड़े और अपने दूसरी चीज़ों की व्यवस्था कर लें या अपनी कविता की व्यवस्था कर लें तो मैं कविता की व्यवस्था कर लेता हूँ बाक़ी चीज़ें छूट जाती हैं तो मेरे घर के लोग कुछ जितना बनता है कर देते हैं नहीं तो रह जाती हैं अच्छा कभी कभी ऐसा नहीं लगता नरेश जी कि आप चीज़ों में भ्रम पैदा ना हो आ, उसके लिए एक्सप्लेनेशन में इतना चले जाते हैं कि कभी कभी भ्रम भी उत्पन्न हो जाता है <laughs> <laughs> इतना बोलते हैं कि भ्रम उत्पन्न हो जाता है तो अगला कॉन्ट्राडिक्शन कभी नहीं लगता कि कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन तो देखिए हमारे ज्ञान सीमित है और जो 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 असलियतें हैं जो रियलिटीज़ हैं है, वो उससे बहुत ज़्यादा बड़ी हैं जितना कि हम उनको जान पाए हैं ईश्वर तभी तक जीवित है जब तक कि मृत्यु का रहस्य नहीं खोल दिया जाता जिस दिन मृत्यु का रहस्य पता लग जाएगा ईश्वर की मृत्यु हो जाएगी उस दिन तो उसी की वजह से तमाम जाल फैला हुआ है अज्ञान के कारण तो बहुत सारा ज्ञान मेरे पास है नहीं बहुत सुपरफिशियल ज्ञान है थोड़ा सा ज्ञान है क्या अब भी आसन नदी वाले डाक बंगले पर जाते हैं हाँ मैं गया था और मुझे ये देख करके बहुत दुख और आश्चर्य हुआ कि जो उजाड़ था मेरे बचपन में वो और ज़्यादा उजड़ गया है उजाड़ को उजड़ता हुआ मैंने जीवन में पहली बार महसूस किया कि ये तो पहले ही उजाड़ था अब ये उससे ज़्यादा उजड़ गया है अंतिम सवाल आ नरेश सक्सेना जैसे कह रहे हैं कि मैं संतुष्ट हूँ मुझे किस चीज़ का दुख या मलाल नहीं है तो संतोष भरे जीवन में आगे क्या रचने वाले हैं मुझे मलाल नहीं है और मुझे किसी चीज़ का दुख नहीं है आपने हाँ हाँ नहीं है नहीं है नहीं है हाँ लेकिन ये तो कहने की बातें हैं लोग मानते नहीं कोई मानेगा इस बात को मैं चाहे जितना कह दूँ कि मुझे कुछ ये नहीं मिला वो नहीं मिला उसका मुझे दुख नहीं लेकिन मेरा जीवन ये बता बताएगा आपको कि मैंने उसके लिए कोशिश ही कभी नहीं की मैं इसी कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रहा था दो मिनट पहले हाँ कि आप बातों में जब कहते हैं तो <laughs> पहले आपने बोला बाद में इसी बात को कॉन्ट्रेड करते हुए चल रहे हैं कि मैंने कोशिश ही कभी नहीं की हाँ कोशिश नहीं की कभी मेरे मन मैं इच्छाओं में वो बड़ी चीज़ नहीं थी कविता बड़ी चीज़ थी अगर मैं कल मैंने आपके यहाँ रिश्ता में हिंदवी में कविता पाठ किया अगर उस कविता को सुनकर के सन्नाटा छाया रहता मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो मुझे दुख होता वही मेरा पुरस्कार है मैं पुरस्कार से इतर बात कर रहा हूँ जी कि आ, अब क्या और रचने की इच्छा है और क्या इच्छाएं है ऐसी हैं जो नरेश सक्सेना चाहते हैं कि पूरी हो हाँ, जाए। हाँ, हाँ, ये बिल्कुल ठीक है पहली बात तो ये है कि मेरी फ़िल्म जिस पर मुझे आ, नेशनल अवार्ड मिला वो फ़िल्म ख़त्म हो गई वो फ़िल्म ख़त्म हो गई तो सैलोलाइट पर वो फ़िल्म थी और बॉम्बे फ़िल्म लेबोरेटरी दादर में है वो बंद हो गई उसने बहुत मुझे चिट्ठियाँ भेज के इन्फॉर्मेशन दी क्या आप अपने जो नेगेटिव है यहाँ से हमारी लेबोरेटरी से उठा लीजिए क्योंकि हम इसे बंद कर रहे हैं अब मैं उसे नेगेटिव लेके घर में तो ला नहीं सकता था उसे तो बहुत कंट्रोल्ड कंडीशंस में रखा जाता है और दूसरी जगह ले जाता तो वहाँ के पैसे देने पड़ते मुझे तो उस उसकी वजह से मेरे पास थर्टी फाइव एम का वो दरअसल वो फिल्म जो थी वो वीडियो पे नहीं बनी हुई है वो सैलोलाइट पे बनी हुई फिल्में आजकल वीडियो पे फिल्म बनाना बहुत आसान हो गया है हाँ आप, आप शूट कर लीजिए और साउंड इसके साथ साथ रिकॉर्ड हो जाती है लेकिन उसमें साउंड अलग रिकॉर्ड होती है ट्रांसफ़र करना पड़ता है री रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है साउंड की फिल्म के ऊपर ट्रांसफ़र और फिल्म के ऊपर फफूंद लग जाती है तो वो मैं दोबारा उस फिल्म को बनाना चाहता हूँ तो वो एक कविता की तरह है। वो, वो वो जो सीक्वेंस है जो मुमताज है जिसमें वो ये मेरी एक कविता पर बनी हुई फिल्म है वो 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 एक एक कविता है आ, आ, एक नीम के पेड़ के कटने की अरे कोई देखो मेरे आंगन में गिरा कट कर गिरा मेरा नीम गिरा मेरी सखियों का झूलना बेटे का पालना गिरा वो कविता है उस कविता के एक पंक्ति का भी पाठ नहीं है उसमें सारा का सारा जो उसकी संवेदना हैं जो उसके शब्द हैं देखो वे आरा ले आए ले आए कुल्हाड़ी और रस्सा ले आए उसे बांधने। देखो कैसे कांपी उसकी छाया उसकी पत्तियों की छाया जिनसे घाव मैंने पूरे देखो कैसे कटी उसकी छाल उसकी छाल में धंसी कुल्हाड़ी की धार मेरे गीतों में धंसी मनोती में धंसी मेरे घावों में धंसी कुल्हाड़ी की धार बेटे ने गिन लिए रुपए मेरे बेटे ने देखो उसके बाबा ने कर लिया हिसाब उसे ले गए जैसे कोई ले जाए लावरिस लाश घसीट कर ऐसे उसे ले गए ले गए आंगन की धूप छाँ सुबह शाम चिड़ियों के गीत ले गए ऋतुएँ अब तक का संग साथ सुख दुख सब जीवन ले गए अब ये ये जो कविता है इस कविता का एक पंक्ति का भी पाठ उस फिल्म में नहीं लेकिन फिल्म के ग्रामर के तो मुझे कितना समय लगा इस फ़िल्म को मेरे एडिटर ने कहा कि मैं तीन दिन में ऐसी फिल्में एडिट करके आगे निकाल देता हूँ आपको महीना भर हो गया इसको एडिट करते हुए तो मैं सारी सारी रात सोता नहीं था कौन सी शॉट के बाद कौन सा शॉट लगना है इसमें यह मार्मिकता कैसे पैदा होगी किस तरह से मैंने फ्लैशबैक का यूज़ होता है फ़िल्म में और फ्लैशबैक से फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं या फ्लैश फॉरवर्ड होता है और फ्लैश फॉरवर्ड से फिर हम प्रेजेंट में आते हैं लेकिन इस फिल्म में हर फ्लैशबैक फ्लैश फॉरवर्ड से कट होता है प्रेजेंट से नहीं होता फ्लैश फॉरवर्ड टू फ्लैशबैक फ्लैश बैक टू फ्लैश फॉरवर्ड फ्लैश फॉरवर्ड टू फ्लैश बैक ये जब जूरी के चेयरमैन ने देखा था और जब मैं उनसे जाके बाद में मिला जब पुरस्कार जूरी का स्पेशल मेंशन अवार्ड जब मुझे मिल गया तब मैंने जाकर के उनसे मिला तो मैंने उनसे पूछा कि मेरी फ़िल्म तो उन्हें कहा अरे आपकी वो पेड़ वाली फ़िल्म थी तो मैंने कहा हाँ कहा वो तो मैंने अपने जीवन में फ़िल्म की ग्रामर का इस तरह का इस्तेमाल ही नहीं देखा कि एवरी फ्लैश बैक वाज बींग कट टू ए फ्लैश फॉरवर्ड अगेन कमिंग बैक टू ए फ्लैश बैक एंड देन अगेन टू ए फ्लैश फॉरवर्ड तो सेम फ्लैश फॉरवर्ड द फ्लैश बैक वेरी डिफरेंट हर फ्लैशबैक अलग था और हर हर फ्लैश फॉरवर्ड जिसमें नीम का पेड़ कट के गिरता हुआ दिखाई दे रहा है वो बार बार रिपीट हो रहा था बार बार पेड़ कट के गिर रहा था और बार बार उस नीम के पेड़ के गीतात्मक स्थितियों में जा रहे थे कि वो बच्चे का पालना झुला रही है इस नीम के पेड़ पर लोरी गा रही है वो झूला झूल रही है उस पर सावन के गीत गा रही है उसकी शादी के गीत हो रहे हैं और वो घूंघट निकाले जी बैठी हुई थाली में उसको प्रतिबिंब दिख रहा है नीम के पेड़ का वो तमाम सारे गीत कट हो रहे हैं और पेड़ कट के गिरता है हर बार तो उसने तो हमको मूव कर दिया था हमारे ज्यूरी के जितने मेंबर्स थे उनके सबकी डायरी में ये फिल्म नोटेड थी और हम इसे कोई बड़ा पुरस्कार नहीं दे पाए अब चाहते हैं ये पूरी हो अब चाहते हैं फिर से ये मैं चाहता था कि मेरी कविता की तरह से फिल्म खो गई फिल्म खो गई ये कम से कम ये चाहता हूँ और तो फिर बहुत सारी इच्छाएँ हैं और इसने ने चंबल एक नदी का नाम ने मुझे बहुत दिनों तक कुछ और लिखने से रोक दिया है तो मैं चाहता हूँ जैसे ये पूरी होती है तो मैं प्रकाशक खुद देता हूँ तो मैं फिर बहुत कुछ लिखना है मुझे नरेश जी आप हमारे कार्यक्रम में आए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप स्वस्थ रहें आप ऐसे ही लिखते रहें और आप ऐसे ही कविताएं सुनाते रहें बहुत बहुत शुक्रिया संगत में आने के लिए बहुत धन्यवाद आपका भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर नमस्कार नमस्कार मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बहुत बड़ी आलोचना की और बहुत सम्यक आलोचना की कहा कि तुम एक ही कविता में पचास इमेज क्यों दे देती हो मेरा जो एक माँ का रूप है वो मेरे एक नागरिक के रूप से विच्छिन्न तो नहीं है तो कवि का रूप जो है उपन्यास के रूप से विच्छिन्न भी नहीं है हजारी प्रसाद द्विवेदी वगैरह ये लोग पिताजी के बहुत करीब थे और अंततः इन लोगों का वात्सल्य मुझ पर बना रहा अंतरंग में कुछ मुझे बदलाव घटित करने मुझे जानने वाला नहीं कोई कहता मेरे माता पिता ने नहीं, नहीं कहा मेरे बच्चों ने नहीं, नहीं कहा मेरे छात्र नहीं कहते मेरे मेरे पति नहीं कहते मेरे दोस्त नहीं कहते वो स्वप्न ही क्या जो अपने ही लिए देखा जाए स्वप्न उस हर उसके लिए स्त्री देखती है जिसको वो प्यार करती है जिसने भरोसा कर लिया उसको मार डालने में कौन सी बहादुरी जो गोदी में आकर सो ही गया उससे छल लेने उसको छल लेने में कौन सी विचक्षणता